सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू देसी गूंज स्पॉटलाइट। आई एम योर को होस्ट कमल सचदेवा एंड आई एम मीता खन्ना एंड आई वेलकम यू ऑल। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम और बहुत बड़े वाली हेलो। हेलो। सो या टुडे स्पॉटलाइट दिनों बाद मिल रहे हैं ना सी। या आई नो दैट इज ट्रू बट समटाइम्स इट हैपेंस। या So, let's talk about today's wonderful guest we have today. And जो आज के हमारे गेस्ट हैं उन पे हमें ऐसे लाइक स्पॉटलाइट करने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज ही इज इंटरनेशनली नोन एंड ही इज अ लिविंग लेजेंड एक्चुअली इन द फील्ड ऑफ कार्टूनिज्म, कार्टूनिस्ट एंड इलस्ट्रेटर, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म डायरेक्टर एंड ही इज वन सो मेनी अवार्ड्स। और सबसे बड़ी बात जो उनके मुझे नंबर्स जो मैंने देखे इज अमेजिंग। ही हैज डन इलस्ट्रेशंस फॉर अबाउट 22,000 कॉमिक बुक्स, एजुकेशनल बुक्स एंड अदर स्टफ। लाइक रियली 22,000? हाउ? दैट्स अमेजिंग। 22,000 नॉट 100। आई नो। और इसके अलावा कमर्शियल फिल्म्स, एड जिंगल्स, फिल्म डायरेक्टर, short films, big films, oh my god, amazing. All right, bulaya jaye Dr. Hanvinder Mankar ji ko? ji bilkul. We are all very excited and eager to know about his journey, about his works. We all know, but still we would like to listen from his mouth. Yes. Lo ji, Mankar saab, tada bahut swagat. आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दैट यू आर ऑन अ शो। जी, मेरा सौभाग्य है कि आप जैसी हस्तियों ने मुझे अपने इस देसी गूंज के बीच बुला के एक मौका देता है कि मैं अपनी कोई गल कर सका, मैं अपने कोई जज्बात जाहिर कर सका। इतनी खूबसूरत शाम लई, इतनी खूबसूरत प्लेटफॉर्म लाइक और बहुत बहुत दिल तो शुक्रिया। थैंक यू जी। तो आधे जो गेस्ट आंदे हैं तो साडे प्रोग्राम दी शो होर वज जांदी है। सो थैंक यू सो मच जी। सो मनकर साहब, सब तो पहला जो है तुम्हारी ऑफ कोर्स जर्नी दी गल करेंगे सब तो पहला, क्योंकि यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर अबाउट 40 इयर्स, है ना? 40 साल हो गए। And one of the most famous or historic जो आपका कार्टून कॉमिक स्ट्रिप्ट है, that is मोटू पतलू। और हमने भी पढ़ा है, we enjoy, हमारे बच्चों ने भी पढ़ा है। I think everybody reads it because it's enjoyable। इसके अलावा बहुत सारे हैं। So can you थोड़ा सा शेयर करें, स्टार्ट कैसे हुआ आपकी जर्नी, कैसे आपको इंटरेस्ट आया कार्टून बनाने में, एंड हाउ डिड इट गो, यू नो, पब्लिश क्या हुआ सबसे पहले? नहीं, वो मैं दरअसल उस समय 12 साल का था जब मैंने अपना पहला कार्टून बनाया जी। मतलब कोयले से पार्क की जो वो फुटपाथ होती है, पत्थर की होती है, जो हिंदुस्तान में अगर आप पुराना देखते हैं तो उस पे कोयला ही होता था उस समय, तो चौक या कोयला तो आड़ी टेढ़ी विच रेखाएं जो हैं वो कब। और 12 साल में मेरा पहला पॉकेट कार्टून जो छोटा होता है वो मुल मुस्कान में छपा। फिर वो धीरे 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 14-15 साल तक आते आते वो फिर मोटू पतलू की शुरुआत हो गई। और तब से लेकर आज तक ये दुनिया का पहला एक सौभाग्य मुझे मिला है कि लगातार 42 ईयर अगर एक ही आर्टिस्ट ने एक ही कॉमिक कार्ड करेक्टर का के कॉमिक स्ट्रिप लगातार नॉन स्टॉप बनाए, ये शायद वर्ल्ड में नहीं हुआ। ये उस ऊपर वाले का, उस मुर्शिद का, उस सब का मुझ पर बहुत बड़ा एक उपकार है जी। और मेरा यही मानना है कि आप अपनी लगन को, अपनी सोच को, अपने जज्बे को और अपने पैशंस को जब अपने काम में उतार लाते हैं तो वो काम नहीं, वो एक पूजा बन जाता है, वो एक इबादत बन जाता है। क्या बात? काम इबादत हो जाए तो उसमें तो आपका हर लाइन खींचना सजदा कहलाएगा, हर किताब बनाना एक उसके अंदर रामायण बन जाएगी, वो एक किताब आपकी कुरान बन जाएगी, एक किताब आपकी गीता बन जाएगी। क्योंकि आप दिल से जब भी कुछ बनाओगे वो दिल, मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि बात इतनी बढ़िया कैसे है, क्योंकि मैं जबान से बोलता नहीं हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ।
और जब मैं दिल से बोलूंगा तो हजूर आप सुनेंगे भी तो दिल से ना। क्या बात, क्या बात, व्हाट ब्यूटीफुल थॉट्स, व्हाट ब्यूटीफुल थॉट्स। और एकदम ट्रू है ये, व्हेन इट बिकम्स योर पैशन तो ये पूजा बन जाती है, और दिल से निकलता है वो कनेक्शन बनते हैं तब। जी दैट इज वन थिंग। और जो मोटू पतलू है, लेट्स ओनली टॉक अबाउट मोटू पतलू फॉर कपल ऑफ मिनट्स, ठीक है। मोटू पतलू जो है कैरेक्टर्स, ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स, इतने बढ़िया उनके जो आते हैं कॉमिक स्ट्रिप्स, एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एक कुछ करता है, इट्स रियली फन। नॉट ओनली कॉमिक स्ट्रिप्स, ये एनिमेशन फिल्म भी है, राइट? वो कैसे हुआ, कब हुआ? निकलोडियन पर मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एकमात्र ऐसे करेक्टर है जो कॉमिक्स की स्ट्रिप्स में भी छपे, कॉमिक्स में भी छपे, अखबार में भी छपे, टूडी एनी मपेट में भी आए, मपेट फिल्म्स में भी आए, पपेट फिल्म्स में भी आए, और टूडी एनिमेशन में भी आए, अब 3D एनिमेशन में भी आ रहे हैं, और मैडम तुसाद के अंदर हिंदुस्तान के मोटू और पतलू के अलावा किसी भी कार्टून करेक्टर का अभी तक स्टैचू नहीं है, यहाँ तक कि डिज्नी के भी नहीं। ओके, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि बन जाती है, ये दुआएं होती हैं उन बच्चों की। इसका एक रीजन है, क्योंकि ये करेक्टर जब मैं बनाना शुरू किया, मैं भी बच्चा था, इसलिए अक्सर मेरे से जब बड़े भी बोलते हैं कि हमने पढ़े हैं, तो नेचुरली पढ़े होंगे, मैं भी बच्चा था, मैं जैसे मैंने ग्रो अप किया है वैसे वैसे मोटू पतलू ने ग्रो अप कर लिया। लोते कार्टून है जिनके अंदर हिंसा नहीं होती, जिनके अंदर वल्गैरिटी नहीं होती, गाली गलौज नहीं होता, तो दादा कहता है मैंने पढ़ा है, पिताजी कहते हैं मैंने पढ़ा है, और तीसरी पीढ़ी और शायद अब चौथी पीढ़ी वो भी इसको देखेंगे, और इंशाल्लाह अगर ऊपर वाला चाहेगा तो आने वाली हजारों पीढ़ियां इसको पढ़ेंगी और देखेंगी। ये भी अच्छा है क्योंकि हम इसके अंदर एक मोराल लेके आ रहे हैं। जी वाओ, ब्यूटीफुल, वेरी गुड। मोटू साहब तो आपके साथ बैठे हैं, पतलू साहब आ गए, ये मेरे साथ बैठे, दो बच्चे तुसी कहंदे ना मोटू ते पतलू, पतलू आज कित्थे चले गए? पतलू सोया हुआ है, वो रात को लेट नाइट काम से आया था तो देर हो गई उसको। ओ लो जी, ओके, चलो कोई ना, पतलू नो फिर नेक्स्ट टाइम मिलांगे। हां ऐसे माने नेक्स्ट टाइम मिलांगे ना। दैट्स ट्रू। सो अभी फर्स्ट आई मीन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर व्यूअर्स जो कि हमारे साथ जुड़े हैं राइट नाउ, सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड सपोर्टिंग ऑल द टाइम। जॉर्ज मुटा जी हैं, दिलजीत सिंह जी हैं, एंड आलोक जी हैं, सो थैंक यू जी, एंड जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने फ्रेंड्स को भी बुलाइए, और देसी गुण चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मैं दो चार मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, अब दिखाती हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट हुई कि थोड़ा थोड़ा उन पिक्चर्स के बारे में हमें बताते जाएं। जी जी जरूर जरूर जी, लेट्स सी इफ आई कैन डू दैट। ठीक है जी, ऐते हो गए, ऐते तुसी बिसाइड्स हीरो मुंडा कौन है साइड पे चश्मे वाला, मैं नहीं जानता। सो मोटू पतलू के अलावा यू हैव भूतनाथ, मामा जी, अमर अकबर, अटकल मटकल, और क्या क्या है कार्टून आप कॉमिक्स? बाबू जी है, चक्कू मटू है, लिटिल है, करीब करीब 500 के करीब करेक्टर मैंने इजाद किए हैं। ओह नाइस, ओह माय गॉड, अमेजिंग, बिग नंबर है, बट वो है, वो एक ताकत है, वो एक ईश्वर है जो ऊपर बैठा है, वो बस वही करवाता जाता है, करे कराए साइया सिर दूजे के दे, ये समर्थ उसमें अपना नाम ना दे। वेरी नाइस, क्या बात, सो ट्रू। ये मैडम तो साथ में जब ये स्टैचू लगे थे उनका जो उद्घाटन हुआ था, ये उस समय की वो। वाओ, what an honor and what an achievement, congratulations ji, bahut badi baat hai ye, as you are saying kisi aur comic character ka nahi hai madam, abhi nahi hai, aage jaake ho jaye to achhi baat, aur furfuri nagariya ki kya baat hai, furfuri nagariya, I love this samosa in motu's hand, hai na, that is true, so truly symbolic, हाँ, साइज भी बेहतर। समोसा बनाने के पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि समोसा आपको किसी ने ऐसे डिफाइन नहीं किया होगा कि समोसा असल में है क्या। समोसा की एक परत होती है जो हमारे माता पिता के संस्कार है, उसमें जो आलू होते हैं वो हमारा बचपन है, और वो तला जाता है प्यार की चाशनी के अंदर, तो तब जाके वो समोसा बनता है। वाह,
अगर ये सोच के समोसा आगे से खाएंगे वो हेल्दी हो जाएगा. वेरी न्यू पर्सपेक्टिव. अच्छा ये लगातार किड्स चॉइस अवार्ड इसी को मिला है. फर्स्ट बार में शाहरुख खान के हाथ में मिला था, फिर रणवीर सिंह के, फिर प्रियंका. बारी बारी और हर साल जो स्टार्स होते हैं मुंबई में, ये उसके इसी को ही मिला. यही करेक्टर है जिन्होंने सबको पछाड़ते हुए पिछले पांच, अभी तो ये पुराना पोस्टर आपके पास है, अभी पिछले 7 साल से लगातार मोटू पतलू नंबर वन पे टिके हुए. ओके सर, क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस. ये शाहरुख खान वाला, हाँ जी, निकलोडियन का जो अवार्ड का शो, ये साथ में बजाज साहब थे. अच्छा, बजाज साहब, बजाज साहब थे जो पब्लिशर, जो लोटपोट छापते हैं. जी जी जी, ओके. मैगजीन छापते हैं जी, उनका भी बहुत बड़ा रोल है जी, उनका भी. नेचुरली अगर देखो, अगर वो छाप से दुनिया की सारी मैगजीन बंद हो गई इन दिनों से बहुत कम, उसके बावजूद लोटपोट पिछले 40-50 साल से निरंतर प्रिंट भी हो रही है, ऑनलाइन में भी दिखती है और टीवी में तो आता ही आता है. तो ये बहुत बड़ा इनका जिगरा है, इनकी हिम्मत है कि इन्होंने वो इसको खत्म नहीं होने दिया. वाह वाह, बजाज साहब का थैंक यू, क्योंकि सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. क्योंकि कॉमिक स्ट्रिप्स जब हम पढ़ते हैं तो एकदम हैप्पीनेस सी आ जाती है ना, इट्स ब्यूटीफुल, अपना स्ट्रेस दूर हो जाता है एंड यू फील सो गुड. पढ़ते ही हम इसीलिए कॉमिक स्ट्रिप्स, हमारा स्ट्रेस दूर हो, पर्पस यही हमारे लिए. ऑलराइट, परफेक्ट. ओ, प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ. ये जो मेरे हाथ में आप किताब देख रही हैं, ये मेरी 22001वीं किताब थी, वन नंबर. Okay. जो अब्दुल कलाम जी की जीवनी थी, रमेश, फ्रॉम रामेश्वरम टू राष्ट्रपति भवन. अच्छा, मैंने कार्टून के जरिए दर्शाई थी, ये राज पॉकेट बुक्स में छपी थी. तो ये हिंदी भवन में उसका विमोचन भी है और मुझसे बातें भी कर रहे हैं और कुछ उन्होंने ऑटोग्राफ वाली बुक्स भी मुझे करके दी. वाओ, ये मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि इस शख्स को, ये शख्स कोई सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं है, ये शख्स एक ऐसा लोह पुरुष और एक ऐसा आइडियल पर्सन है कि जिसके पास खड़ा होना भी अपने आप में पूरे 7 जन्मों के बाद ऐसा मौका मिल जाए तो मेरे लिए वो सौभाग्य है. वाओ, वेरी हंबल पर्सन. आई कैन अंडरस्टैंड. और यू गॉट गोल्ड मेडल टू, है ना? जी जी, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड. तो ये दिस इज यूनिक, किसी और ने ऐसा कुछ किया है फॉर एनी प्रेसिडेंट? क्या होगा, मैं भी देखो, बहुत कुछ होता है, हमें सारे अपने आसपास के सिनेरियों में हम लोग शायद नहीं कभी निगाह पाते. ऐसा नहीं है कि हमने जो किया वो शायद कोई और कर नहीं सकता, लेकिन मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि अगर मैं कर गया हूँ तो ये मेरी खुशकिस्मती है, मैं उसी को एंजॉय करता हूँ. और अगर बाकी कर गया, मैं उनके लिए डबल खुश हूँ कि शाबाश, इस परंपरा को आगे बढ़ाइए और सभी कुछ ना कुछ लेके आइए. Beautiful. क्योंकि अपने वतन के लिए कुछ भी करना और अपने वतन के लिए कुछ लेके आना, चाहे वो गोल्ड मेडल हो, सिल्वर मेडल हो, yes. वो एक इतना बड़ा उपकार होता है कि जो वतन हमें सब कुछ देता है, right. हम वतन को क्या देते हैं, ये सोचने की बात. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मनकर साहब. सो आपने यू डू ऑल्सो डू ट्रेवल शोज एंड फिल्म शोज, सो सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ आपने काम किया, राइट? शोज हैं ये, हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी का मेरा एक शो था, D-Code 7, हमने इंग्लिश फिल्म थी ये उस समय की. ओके, वेरी नाइस. वो मुझे ये बात ही बता ही रहे थे जी, जहाँ ये महिमा चौधरी जी के साथ जब डॉक्टरेट की मुझे मिली थी, तो उससे पहले का ये सीन है. तो महिमा चौधरी जी, मुझे और राकेश बेदी जी को डॉक्टरेट एक ही टाइम में इकट्ठा किया गया था, एक ही मंच पे. ओके, डॉक्टरेट, वाओ, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. या, वंडरफुल. ये मेरा है, इसमें जयपुर के अंदर कॉमेडी शो, हमने लाफ्टर फेस्टिवल किया था, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, 150 कॉमेडियन एक स्टेज पे और मैं डायरेक्टर था. लेके जानी लेवर साहब आपकी फोटो है, और छोटे से लेके बड़े 150 कॉमेडियन विधानसभा के सामने, 40,000 दर्शकों के सामने वो शो लाइव हुआ था. लाइव उसके बाद हुआ ही नहीं ना उससे पहले. इतना बड़ी चीज है ये, कॉमेडियन अपनी अपनी सबकी गोष्ठी होती है, अपना अपना हो रहा होता है, उनको एक मंच पे लेके आना और इतनी पब्लिक पे लाइव, नॉट ए शूटिंग की आप रिटेक कर लोगे, बट इट्स लाइव. तो बहुत खूबसूरत था, बहुत बढ़िया शो था, और मतलब सौभाग्य है कि मुझे उसको डायरेक्ट करने का. Beautiful. एक मेरा ये सवाल है, ये दिलजीत सिंह जी भी इसमें एक्चुअली जानना चाह रहे हैं, रामेश्वरम टू राष्ट्रपति भवन उनको कहाँ मिलेगी? ये राज पॉकेट बुक्स की है, आप ऑनलाइन में भी होगी, वैसे मैं दिखा सकता हूँ अगर आप चाहें तो, मेरी सामने पीछे पड़ी हुई है.
अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ, एक मिनट। हम ढूंढेंगे भी, आप दिखाएं, हम ढूंढेंगे भी दिलजीत जी, हम सब मिलके ढूंढेंगे जी। Yes, we will find it and buy it. एक ऐसे पर्सन है इंडिया के जिनका कोई कभी भी किसी ने क्रिटिसिज्म नहीं किया। अभी जब स्लाइड शो बंद करेंगे फिर एक बार फिर से दिखा देना, सो दैट इट कैन बी फोकस्ड राइट नाउ। बट ब्यूटिफुल, थैंक यू। सेम है निकलोडियन वाला, निकलोडियन वाला, वरुण धवन है, ये आयुष्मान खुराना है, और इधर वो बाकी बहुत सारे आर्टिस्ट, प्रियंका चोपड़ा, वो सब है। वेरी नाइस, मुंबई का अवार्ड फंक्शन है। वेरी गुड। मैं तो थोड़ी सी पिक्चर्स ही मैंने डाली हैं, बिकॉज हजारों हैं आपकी तो। ये महेश भट्ट साहब है, ये नीचे धर्मेंद्र जी के घर की पिक्चर्स है। अच्छा, उन्होंने अच्छा। बहुत बढ़िया खाना भी खिलाया था और लस्सी भी पिलाई जब। अरे ये परा खान जी हैं, बोमन रानी हैं, ये डांस इंडिया डांस पे मोटू फ्लू हमने एक बार मिक्स किया था, पेरेंट्स है उसमें, और रणवीर सिंह है जब उन्होंने अवार्ड दिया था। ये क्या है? अभी मिला, अभी 3-4 दिन पहले, ये लंबा, ये आचार्य मेरे सामने लगा हुआ है, आचार्य देवो भव अवार्ड सोनीपत में। अच्छा। अमन यतन वर्मा है और कर्नल सहगल हैं जिन्होंने वार लड़ी है सारी, कारगिल और ये वो सब। ओके। तो ये सोनीपत, ये ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के अंदर ये टीचरों को सबको था, उसमें मुझे ये अवार्ड अभी अभी 1-5 तारीख को जिस दिन टीचर डे होता है उस दिन। राइट, ओह वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि आप तो डेफिनेटली यू आर अ टीचर, अपने सारे आर्ट वर्क के थ्रू आप हमें कितना कुछ सिखाते हो, सो थैंक यू फॉर दैट। और ये तो आपका डॉक्टरेट की डिग्री है, राइट? दिस इज अमेजिंग, और उसके लिए अगेन कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपकी सारी जो आर्ट लिटरेचर और सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिली, सो ब्यूटिफुल। अब आप वो बुक थोड़ा सा दिखा दें फिर प्लीज। क्या बुक है? जी ये देखिए, ओके ओके, वेरी नाइस। हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इंग्लिश की कॉपी भी है। राइट, ये पूरी बुक्स थे इसके अंदर, इलस्ट्रेशंस वाली, इलस्ट्रेशंस भी हैं, और इसके अंदर ये देखिए ये सारे कार्टून्स ये जो बने हुए हैं, ये मेरे ही बने हुए हैं, पिछले 40 साल से मेरा एक ही सिस्टम है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि या ईश्वर को पाना हो या अपने काम को पाना हो तो 3 से 7 अर्ली मॉर्निंग का बेस्ट होता है, क्योंकि उस समय ना तो कोई घंटी बजाता है जैसा कि मीता जी परेशान थे, ना कोई फोन आता है, ना ही कोई मेहमान उठा होता है, सारी दुनिया लंबी तान के सोई होती है, जब आप अपनी लंबी योजनाएं को कार्य रूप दे सकते हैं। वो सबसे उसके बाद आप सो जाइए, 7 से 9 सो जाइए, लेकिन आपका जो बी कवर्स होता है वो आपका अमृत वेला, फ्रेश अमृत वेला जिसको कहा जाता है, आपको अगर चाहो तो भगवान मिल जाता है तो काम क्या चीज है उसमें। सही बात है, सही। अब तो काम को ही भगवान मानोगे तो फिर उसमें तो कुछ होगा ही ना। वो भी जरूरी है, बिना मुर्शिद के भी आप पार नहीं लग सकते, तो आपका गुरु होना भी जरूरी है, क्योंकि बिना गुरु के कोई गति होती नहीं है। तो अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई गुरु नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई पथ प्रदर्शक नहीं है, तो फिर वो जिंदगी जिंदगी नहीं है, फिर आप जिंदगी को काट रहे हो, जी नहीं रहे। जिंदगी जीना काटना दो अलग अलग चीजें। जी जी जी, 84 लाख मुनियों के बाद, सॉरी हाँ, आप कहिए, 84 लाख योनियों के बाद अगर इंसान का जामा हमें मिलता है तो वो ईश्वर के लिए मिलता है। ये आखिरी सीढ़ी का वो आखिरी डंडा है, अगर आप इस पे आके पांव फिसलेगा तो फिर वो वापस सारा घनचक्रा फिर आपको झेलना पड़ेगा। बहुत जरूरी है आपकी बात दोबारा कंटिन्यू करना, कि हर सुबह एक फैसला लेने का मौका होती है, जिसने कर लिया वो मंजिल पा गया, जो सोचता ही रह गया उसके लिए अगली रात तैयार है ही। क्या बात है, बड़ी प्यारी। आपको थोड़े शब्दों में इतना बहुत
मैसेज दिया है आपने। नीता जी रोज सुबह उठ के ये एक वाक्य लिखता हूँ जो मेरे मन में आता है, कोई सोच समझ के नहीं लिखता, जो ख्याल आता है सुबह 3-4 बजे उठने के बाद वो मैं टाइप करके उसी समय वो जिंदगी पॉजिटिव मैंने वो बनाया हुआ है ब्रॉडकास्ट, तो 400-500 लोग जुड़े हैं, सबको चला जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। मैं भी उनमें से एक हूं। आप भी उसमें सही हैं। From comic strips to writing and then ad films and then feature films and short films, ये कैसे हर इतनी सारी directions में, how is it that you are so good? Change additions कैसे हुआ? देखो कपिल देव ने कहा था कि आज आने वाला युग है ना, अगर आपको क्रिकेट खेलनी है तो ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप ऑलराउंडर नहीं हो तो आप एक ही चीज बार बार दोहरा नहीं सकते, लोग आजकल बहुत जल्दी उबते हैं जी। तो मेरा ये मानना है कि वक्त के साथ अपने आप को अपडेट करो, आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखती है, आपकी टेक्नोलॉजी जो भी चेंज होती है, मैंने कहीं से ड्राइंग नहीं सीखी, मैंने कहीं से बाजार से कंप्यूटर नहीं सीखा, मैंने कहीं से एडिटिंग नहीं सीखी, कहीं से डायरेक्शन नहीं सीखा, क्योंकि आप करते 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 अपडेट होते जाते हो, आपको स्वीकार करना चाहिए। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि भाई नहीं 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 अब हमारी उम्र नहीं रही, हमें तो आता ही नहीं था, ये नई नई क्या चीजें आ गई हैं, जो भी आई हैं आप उसे एक्सेप्ट करो। अगर ये नहीं करते तो आज हम यहाँ, आप कनाडा बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यूएस बैठी हूँ, आप यूएसए बैठे हो, बिना वीजा के अगर मैं आपके घर के अंदर दिख रहा हूँ तो ये इस टेक्नोलॉजी का ही कमाल है, वरना वीजा भी लगाना है ऐसी की तैसी। फिल्में वही करते करते मैं एड फिल्में, मैंने करीब 800 से ऊपर एड फिल्में में 500-700 लिखी हैं, कुछ डायरेक्ट भी की हैं बहुत सारी। फिर मेरा मैं बहुत जल्दी चेंज करता हूँ अपने आप को, जो भी नया आता है। फिर मैंने शॉर्ट्स मूवी करी है, एजुकेशनल बुक्स करी है, मेरी शॉर्ट मूवी जो मोबाइल से शूट थी डार्क मिरर, आपने अगर देखी है तो 30 अवार्ड जीते हैं उसने, उसके ऊपर सबटाइटल तक सब कुछ हमने मोबाइल पे किया, मोबाइल पे जी, उसका मकसद था। उससे अक्सर कहा जाता था कि यार हम कर लेते ये फिल्म अच्छी, हमारे पास कैमराज नहीं है, हम कर लेते, हमारे पास मेकअप वाले अच्छे नहीं मिले, हम कर लेते। मैंने ना मेकअप का उसमें यूज किया, ना लाइट का, नेचुरल लाइट जो कुदरतन होती है वही यूज किया, ना साउंड, एक भी इक्विपमेंट नहीं यूज किया, स्वाय मेरे हाथ में ये हमारा एक मोबाइल था जिसके अंदर मैं ही राइटर, मैं ही डायरेक्टर और मैं ही इस तरह से शूट कर रहा हूँ। उसके बाद उसी लोग एडिट किया मैंने, मेरे पास ऑडिटर्स के बहुत सारे आजकल तो ऐप आ जाते हैं जी। और आप उस फिल्म को देखिए, अगर आपके पास वो अगर यहाँ चलाने का सुविधा, तो अगर किसी को आप सीन दिखाएंगे तो आपको यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। हाँ, मैं ट्राई करूंगी, अभी अभी मैंने सेव करके नहीं रखी, बट आई विल ट्राई डेफिनेटली, बिकॉज़ दिस इज डार्क मिरर बाय हरविंदर वांकर डालेंगे तो आ जाएगी। ठीक है जी, अभी ट्राई करते हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली। सो आप बात करते हैं मुर्शिद की, आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं? रोल मॉडल हर मुर्शिद तो वो दो तरीके से आप मानते हो, एक दुनियावी मुर्शिद होता है, एक रूहानियत में मुर्शिद। दुनिया में मुर्शिद आपके बदलते रहते हैं, जब आप छोटे होते हो आपकी माँ आपकी मुर्शिद होती है, आप थोड़े बड़े होते हो तो स्कूल में टीचर आपका मुर्शिद बनता है, फिर आप जहाँ काम सीखते हो वो उस्ताद आपका मुर्शिद बनता है। लेकिन आपके अंदर इसके अलावा एक सफर जो आपके साथ चलता है वो चलता है रूह का सफर, जो आपकी रूहानियत का सफर होता है, जो ईश्वर को पाने का सफर होता है, वो जो आपको सचखंड जिस जन्म से लेके मृत्यु के बाद आपने जहां पहुंचना है वो आपको वो मुर्शिद बताता है जो खुद पहुंचा हुआ हो या खुद उसने एक्सपीरियंस किया हुआ। तो वो मुर्शिद अगर आपकी जिंदगी के अंदर है तो उसके अलावा और कोई चीज आपको नहीं चाहिए, क्योंकि वही आपको सिमरन देता है, वही आपको ध्यान लगाने का तरीका बताता है, मेडिटेशन का तरीका बताता है। तो अलग अलग मुर्शिद के अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं। नॉर्मली रूहानियत के मुर्शिद को कम तवज्जो इसलिए देते हैं कि हमें लगता है कि हमें सिर्फ माया कमानी है या काम कमानी है। लेकिन हमें किसी, आज तक मैं हमेशा हैरान होता हूँ, मुझसे पहले जिस मकान के बाद मेरे शायद दादाजी की तख्ती होगी, फिर मेरे पिताजी की होगी, आज मेरी है, कल मेरे बच्चों की हो जाएगी। तो अगर ये चीजें जानी होती हमसे पहले सभी ले गए होते, पर इसका ये मतलब नहीं है हमें काम नहीं करना है, कमाना नहीं है। लेकिन हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया कि दसवंत, अपनी कमाई का दसवां हिस्सा
अपने दिन का दसवां हिस्सा ईश्वर की ध्यान में दो, अपनी कमाई का दसवां हिस्सा साथ संगत की सेवा में मजबूरों को दो। जो लोग ये करते हैं और उस सेवा को ढिंढोरा नहीं पीटते, जो सबसे ब्रैकेट में इनवर्टेड कॉमर्स में है कि पंखों में अपना नाम नहीं लिखाते, पौड़ियों में अपने पत्थर नहीं खुदवाते, फेसबुक में किसी को देते हुए बड़ी शान से फोटो नहीं डालते, अरे आप दे रहे होते हो, आप मुस्कुरा रहे होते हो, और सोचो जो ले रहा होता है वो कितना मजबूर बेचारा ऐसे करके खड़ा होता है, या आप अपनी तो बढ़ाई कर गए, उसकी तो आपने नीचा कर दिया, क्या पता उसकी क्या मजबूरी है, क्या पता? नहीं पता है कब क्या परिवर्तन हो जाए, कौन राजा है, कौन रंक है, ये सब वक्त के साथ बदलता रहता है। वक्त की बात आप कर रहे हो, हजरत सुल्तान बाबू ने कहा था कि सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, आख सुनावा कैनू हू, तेरे जिया मैनू होर ना कोई ते मेरे जिया लख तैनू हूं, खोल ना कागज बदिया वाले दर तो ना तकी मैनू हूं, अरे मैं विच ऐड गुना ना होंदे तू बख्शिंदो कैनू, अगर मुझ में ऐब ना होते कमियां ना होती तो बख्शता किसको, किन्नू बख्शेगा, शुक्र मनाओ, बख्श हमेशा बोलो, गुनहगार हैं बख्श दो बख्श दो बख्श दो, वरना अंत बहुत बुरा होने वाला है। ये दुनिया में आजकल जो हम देख रहे हैं, इतनी अनहैप्पीनेस है, इतनी सैडनेस है, इतना जेलसी एंगर फ्रस्ट्रेशन, ये शायद इसीलिए कि हम ना तो थैंकफुल होते हैं और ना ही हम माफी मांगने को तैयार हैं, बस एक पता नहीं किस अहंकार में हम लोग जीने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या चीज हम शुक्राना करना भूल रहे हैं, भूल गए। जो एक छोटी सी कहानी अगर आपके पास वक्त हो तो मैं सुनाऊं, बोलना है कि शुक्राना दरअसल होता क्या है कि एक बहुत बड़े मुल्क का एक राजा था, बादशाह था, तो वो उसके हजारों नौकर चाकर आगे पीछे, कभी कोई काम उसने अपने हाथ से किया नहीं था, जो मुंह से बोलता था वो उसका पूरा हो जाता था। Yes. एक दिन शाम को उसको प्यास लगी, उसने बोला कोई है मुझे पानी चाहिए, बाई चांस कोई नहीं था, उसने फिर दोबारा आवाज मारी, तीन चार बार मारी, किसी ने नहीं सुना, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उसने कमरे में देखा सुराई वराई कहीं कोई पानी नहीं था, वो बाहर आ गया महल से, महल के बिल्कुल बाहर एक कुआं था और उसमें उसने देखा बाल्टी और रस्सी पड़ी है, वो बेचारा प्यास से इतना तड़प रहा था कि उसने कभी ये काम तो किया नहीं था, उसने वो बाल्टी उसमें डाली और रस्सी जब जोर से खींची तो बाल्टी आगे उसके चेहरे पर लगी और उसके मुंह से ब्लड आया। हाँ। वो बादशाह दोनों घुटनों पे बैठ गया और अपने हाथ जोड़ दिए और बड़े ही प्यार से बोला, हे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। एक इंसान पास से गुजर रहा था, उसने बोला बादशाह या तो आप पागल हो गए हो या आप दीवाने हो गए हो, मैंने देखा कि आपके चेहरे पे बाल्टी लगी, खून निकला, बजाय डांटने के अपने नौकरों को आप उसका शुक्राना क्यों अदा कर रहे हो? हाँ। तो ये जवाब सुनिएगा, उस बादशाह का जवाब था कि जिस आदमी को एक पानी बाल्टी निकालने की अकल नहीं है, उसको उसने इतनी बड़ी रियासत का बादशाह बना दिया, फिर भी मैं उसको शुक्रिया अदा करता हूँ। ये है शुक्राना, ये शुक्र है जो आप उस अल्लाह ताला का करते हो, उस खुदा का, उस वाहेगुरु का। सही बात है, वाओ, व्हाट अ स्टोरी। मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। वाह, वही शहंशाह, ऐसे तो के बोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है मनकर साहब। नहीं नहीं, बोल लो जी, पंजाबी च आ जाओ, बड़ी देर हो गई पंजाबी वाला खुद ही नहीं। पर उससे पहले मैं ट्राई कर दिया डार्क मिरर, थोड़ी जी 2 मिनट ट्राई कर रही हां, जे दिखती है मिल गई कानू ते, हां दिखा मिली ते है, मैं कोशिश कर दिया 1 मिनट, ऐनक पा लिए थोड़ा। ओके, डिजाइनर है ना क्या थोड़ी? हां जी मैम, यही है ना जी? हां जी हां जी, यही है, यही है, ये पूरी टोटली मोबाइल। अच्छा, सारा मोबाइल ते बनाया तुसी, quality is so good. Actually the thought process is there, of course, of course. ये होता ना shoot which equipment इतना काम नहीं करते जितना framing काम करते director। अच्छा, मैं छाया हूँ, न जाने मेरी माँ ने मेरा नाम छाया क्यों रखा, शायद उन्हें आभास था कि मेरी पूरी जिंदगी इस दुनिया को चलाने वाले मर्दों के नीचे
छाया बनकर रह जाएगी, छाया जो हमेशा सबसे दबती ही रहती है, अपनी वजूद से, अपने आप से, अपनी हस्ती से। चाहकर भी मैं अपनी छाया नहीं निकाल पाई, यहाँ तक कि जिंदगी के लम्हों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, सांसों ने अपने खत्म होने का आभास करवाना शुरू कर दिया, मगर मैं अपनी यादों की परछाई से, उसकी छाया से हमेशा लड़ती रही, हमेशा लड़ती रही, हमेशा लड़ती रही। पूरी देखांगे आराम नाल। आई नो हैगी है, वी न्यू इट, पर हाली प्रॉपरली देखी नहीं है, सो आराम नाल, क्योंकि दिस लुक्स वेरी टचिंग। जी जी, ये एक औरत की कहानी है जेडी अपने वजूद नाल लड़ती है, और इस फिल्म की खासियत है कि इसके अंदर जो इको लड़की है आर्टिस्ट है, बाकी करैक्टर सिर्फ वॉइस विच है। हाँ जी हाँ जी, मैं बहुत कितने हैं राज कामिक्स ने, मेरा जांबाज देवा सुपर हीरो सीगा, उस पे जांबाज देवा, राज कामिक्स, मनोज कामिक्स ने सारे हॉरर सीरीज में बहुत ज्यादा कितने हैं। ब्यूटीफुल। उसके अलावा मैं मेरठ के राधा कामिक्स, जूडो क्वीन राधा मेरी बहुत चलती थी, और पूरी मामा जी करेक्टर बहुत चलता थी, करीब ता ही अभी 22,000 हो जाती है कि इतना काम अगर तुम करते हो। तो राज दी जनरल बुक्स बहुत ने, उन्होंने जोक्स बुक, उन जातक कथाएं उनकी, पंचतंत्र सारिया मेरिया बनी हुई, सारा कुछ देखने तो फिर तुहानू पता लगू 5 साल लगने हैं कि 5 साल लगने। सो गुड, सो मंकर साहब, मैं जिधर पढ़िया सी तुहाडे बारे च सुनिया कि तुसी हॉलीवुड मूवीज च भी तुसी स्क्रिप्ट राइटिंग कीती है, कैन यू टॉक अबाउट दैट? मैं शुरू हॉलीवुड तो ही कीती सी, अपनियां दे बाद चो फड़ियां सी मैं। अच्छा जी। ओ भी ड्राइंग दे थ्रू ही मैनू मिली सी, क्योंकि मैं ड्राइंग्स करदा सी, एक दिन मैनू मानसून फिल्म साले पेन नलिन दा एक फोन आया सीगा कि एक हॉलीवुड दी फिल्म है फ्रांस दी संसारा, ओदे अंदर कुछ ड्राइंगां चाहीदियां हन सानू जिहड़ियां अलग ही किस्म दियां ने। मैं मिलिया इत्थे दिल्ली दे विच ही मिलिया उहनां नू, जिहड़े उहनां दे आप ओह ते नहीं मिले, उहनां दे जो बंदे जिन्हां ने फोन कीता सी, तो उन्होंने मैंने कहा कि इस तरह की कुछ ड्राइंग्स ने जिहड़ियां आपां देखांगे कुछ होर लगदी है, अगर असीं लाइट बैक ते लै जाइए तो वह कुछ होर लगता है। टफ जॉब सीगा उस टाइम, हर कोई नहीं कर पा रहा सी। ओके। ते ओ मैं कहा मैं कर दूंगा, क्योंकि मैं मेरी पुरानी आदत, जिहड़ा काम मैनू आंदा वो तो मैं करदा ही हाँ, जिहड़ा मैनू नहीं आंदा वो डेफिनेटली कर देगा। मेरा स्टाइल है हमेशा बोलता वो करना ही करना है, असीं तां ही बंदा वो चैलेंज एक्सेप्ट करके। Yes. तो लद्दाख में शूट हो रही थी, 6 महीने उत्थे रहे सीगे, और करीब करीब -40, -20, -30 तापमान हुंदा सीगा, मुशर्रफ टाइम दा 2000 साल की गल है, कारगिल हो के हटिया सीगा 99 में, कारगिल होया सी 2001 दे 2001 2002 दा एंड सीगा, और मैं काशी गए भी सी कारगिल वाले पॉइंट ते भी जाके देखिया सी, और उत्थे गुरुद्वारा पिट साहब भी हैगा जिथे गुरु नानक देव जी की पूरी पिट लद्दाख दे विच अंदर सिंगापुर दी एशियन टेल्स कीती सीरीज सी टीवी दी, सिंगापुर टीवी दी छोटी छोटी स्टोरी सी जो जिवें साडियां लोक कथावां होंदियां उवें एशिया दियां लोक कथावां सीगियां। अपने आप नूं जद तक वक्त दे नाल नहीं चलोगे ना ते तुसीं पिछड़ जांदे।
किसी ने महात्मा गांधी जी ने सवाल किया सी कि तुसी इतनी तेज क्यों चलते हो, तो उन्होंने जवाब सी मैं वक्त दे नाल चलदा और वक्त दोबारा नहीं आता, किसी नदी का ब्याह होया पानी वापस नहीं आता, जिहड़ी हवा गुजर जाए वह वापस नहीं आती, जिहड़ा वक्त गुजर जाए वह वापस नहीं आता। अपने हर लम्हे नू जियो, अगर जिंदगी जीनी है ना इंजॉय करो, तुसी जो करना है करो, मैं सिर्फ इको गल का याद रखना कभी आईने के सामने खड़े होकर अपनी नजर ना चुकानिया पै जान, अगर तुम वो काम नहीं किया तो वादिया कोई बनता। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आई नो, क्या बात है सही में, अपने नजर दे विच तुसी जे थले हो गए देन सब गलत हो गया। वाओ तुसी है ना, लाइक हाउ आर यू सो पॉजिटिव, एदा से कोई जवान ही कोशिश नहीं है। तो बड़ा ही मजा तरीका है वो तुसी नु किंदा लंदे हो, मेरा एक यकीन मन्नो, मैं बहुत छोटे गरीबी तो अपना सफर शुरू किया और आज जो सतगुरु की मेहर नाल 7 स्टार तो नीचे भी मैं शायद नहीं रुकिया, लेकिन मैं एक हमेशा गल सोची सी कि अपना खाना और अपना पहनना हमेशा वो रखो जो तुहानू अमीरी गरीबी दे विच कोई फर्क ना हो, जे तुसी वो बदल दिता तुहानू वो अपर दे खाने दे टेस्ट पै गए, फिर तुसी वापस गरीबी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, फिर तुसी डिप्रेशन जांदे हो, फिर सुसाइड कर लैंदे हो, जो फिल्मां वाले कलाकारां नाल हो जांदा है। अपने आप को आज भी मैं किसी भी होटल दुनिया चला जावा मैं प्योर वेज हाँ तो मैं सिर्फ दाल रोटी के अलावा कुछ भी नहीं मंगाता, चाहे उसे 36 व्यंजन क्यों ना, तंदूर की रोटी और नाल दाल मिल जाए सब्जी मिल जाए कोई भी, मैं बड़ा खुश हाँ, मैं कोई लेना देना नहीं कि अंदर चिंग चांग चोंग मांग बांग चाचा हूँ, मैं कुछ नहीं लेना देना उ सादे कपड़े सादा जैसे, क्योंकि जिमें हो ना उदा दिखो जी, जैसे जी। वो वैसे दिखो, तो आनू सोचना नहीं पैंदा, मैं सच बोलन दा की फायदा कि तुहानू याद नहीं रखना पैंदा कल की कहा सीगा, ट्रू दैट, जो वो दिखदे हो ना तुहानू कोई भी अडंबर नहीं रचना पाउंदा, हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, नाटक नहीं होना चाहिए कि तुसी हुण इंटरव्यू हैगा ते कन्ना च वालियां पा लवां ते 2 रंग दे लाल पीले कपड़े पा लो, क्यों प्यार तुसी इस शख्स नाल करदे हो ओदे कपड़े नाल करदे हो, हां काले चश्मे पा लिए ਉਹ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨਕਲੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਆਰਟ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਨੂਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਓਰਿਜਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਸਕੀ, ਕੌਣ ਗੋਰਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਾਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਪਤਲਾ ਲੰਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਈਗੋ, ਔਰ ਈਗੋ ਹੈ ਕਿ ਇਤੀ ਸੀ ਬਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋ ਖਲ ਗਈ एक कागज की कश्ती मुझ पे कैसे चले, कैसे चल गई, इतना बड़ा समुंदर तक अहंकार च आ जाता है, अहंकार लै डुबदा है अगर इस करके डाउन टू अर्थ रहो, डाउन टू अर्थ होने का एक ही फायदा है, गिरोगे ना बहुत नेड़े होंगे जमीन से संभल जाओगे, उसको डिगोगे ना मुश्किल हो जाएगी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पॉइंट्स, आई नो, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी मोटिवेटिंग। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਔਰ ਜੋ ਸਬਕ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਮਿਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਊਗੀ, ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੁੱਤ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਹਾਰ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਨਗਦੀ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਥਈਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੱਥੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਭਾਲਾ ਯਾਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੇਵਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ, ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ,
दुनिया मंदी दौलत शोहरत ते जेड़े फकर मंगदे अल्लाह बोल फकीर आ गया मंगो तू तो बिड़ होर कुछ मंगना सिर दुखां दे दुख ओही मंग लो ना और रब ही मंग लो तो सारी कायनात तुहाडे मुट्ठी च आ जाए डॉक्टर मनकर वैसे जैसी शख्सियत रोज रोज नहीं मिल रही सो कीप आस्किंग कीप जॉइनिंग एंड ब्रिंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू देसी गुरु चैनल मंगर साहब सो तुसी 42 ईयर्स तो इन्ने सारे डिफरेंट काम कर रहे हो राइट ते टेक्नोलॉजी चेंज हो गई सोशल मीडिया बदल गया यू नो बुक्स कट होने शुरू हो गया सो किस तरह के चैलेंजेस तुहानू आए थे तुसी किस तरह ओवरकम किया चैलेंज आंदे ने चैलेंज हालात हमेशा तुसी अगर आज अखां बंद करके भी सोचोगे ना हालात सामने तो आंदे ने अगेंस्ट ही आंदे कभी हालात साइडा तो नहीं आते तो सीधे हनेरी वांग तो आड़े, बिल्कुल सामने तो आते हैं हालात okay. अपना सीना इन्ना मजबूत होना चाहिए सोच इन्नी मजबूत होनी चाहिए कि तुम उन्होंने मुकाबला कर सको और उन्होंने मुकाबला करने वास्ते सिर ते मुर्शिद होना चाहिए तुम्हारी सोच चंगी होनी चाहिए और तुम्हारे अंदर ईमानदारी वक्त हर एक का उच्चा है कामिश उत्ते चढ़े कामिश डुबे इसी करके क्या ना जो कामिश डाउनफॉल जा रहे थे ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆਰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟਾਂ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁੱਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ मल्टीटास्किंग होना चाहिए अज एक दिन का एक चीज करके ठंडे होके बैठ का जमाना नहीं है अज की पीढ़ी की है अज की पीढ़ी ने सवेरे 12 बजे उठती है और साथी 3 बजे सोती है वो सारा ही आला ही उत्या पे जो आला उत जाता है ना उदो बहुत मुश्किल उन्होंने भी मजबूरी है क्योंकि अजकल सारे ऑनलाइन काम ने कंपनी अमरीका की है तो उन्होंने टाइमिंग अलग है हिंदुस्तान का टाइमिंग अलग है वो बेचारे उन्होंने मजबूरिया हैं मगर उन्होंने मजबूरिया उन्होंने सेहत के उत्ते कि भारी पै रही ने यह शायद आने वाला वक्त दसूगा हजे तो नहीं पता लग रहा बेचारे अज सब रोजी रोटी कमाने के चक्कर में अपनी सेहत को इग्नोर करते पे लेकिन बावजूद अपनी सेहत का ख्याल रखो जे थोड़ी सेहत सही है जे थोड़ी सोच सही है जे थोड़ा एक नियम है जिंदगी नु जीण दा ते तुसी लंबे समय ते रेस खिलाड़ी बनोगे नहीं तो फिर थोड़े टाइम बाद कुछ लोग अपने आप फिर बाहर हो जाते हैं मैदान जी बिल्कुल मैं गल याद आ गई मैनू सॉरी मैं तुम्हें विच कट हां प्लीज के कहंदे ना पहले कहंदे सी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन राइट सो मैं ते कहनी हां कि इट इज बेटर टू नो सो मेनी ट्रेड्स देन बीइंग मास्टर ऑफ वन पूरी सफलता और पूरी डिग्निटी दे नाल आओ यह बहुत जरूरी है ये हर एक वास्ते बहुत जरूरी है लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि अगर तुसी जी कट्टर ना हो जाओ उसी दायरे विच बंद ना हो तालाब नहीं समुंदर बनना सीखो तो काफी सारी चीजा की वरायटी फैलन का इलाका होना चाहिए अखलाक के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता मीता जी अखलाक के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता टूटे घर सितारा तो भी जमीन पे नहीं गिरता अरे गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया मगर किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता क्या बात है क्या बात वो समंदर बनो बस चाहे तुम एक चीज स्पेशलिस्ट बनो पर उदे अंदर भी बहुत सारी शाखाएं और रूट्स हैं अगर वे टीचर हो तो 50 रूट है गए उदे अंदर कि तुसी ऑनर्स कर सकते हो तुसी मास्टर कर सकते हो तुसी उदे अंदर बेस्ट टीचर हो सकते हो यस अगर वे डॉक्टर हो तो तुमने 500 शाखाओं और ब्रांचेस चल दिया ने ट्रू मैं बहुत मल्टीटास्किंग नहीं है ये सारी चीजें मेरी इको ही लैंड के हिस्से हैं
क्योंकि राइटर असे किताब लिखना, टीवी सीरियल लिखना, फिल्म लिखना कोई गल है, क्योंकि उसने लिखना है, लिखना है। वो डायरेक्टर असे एड फिल्म डायरेक्ट करना, शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट करना, सॉन्ग डायरेक्ट करना या अपना फीचर फिल्म करना, वो कोई गल है। अगर थोड़े को यूट्यूब पे आओ तो मेरा एक गाना अगर आप जी को लोगे, जाने तुझको खबर कब होगी, तो वो भी अगर उन्होंने सुनाओ तो देखो कितना शानदार फिल्म आया गया, ऑस्ट्रेलिया फिल्म आया गया। नहीं तुसी फिल्म आए चाहो खास एक्सपीरियंस बच्चन साहब का एक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सानू। okay. वो जड़ी पिक्चर खुशी दिखा रहे हो जड़ी उना दी, हां जी जो फोटो दिखाई सी, जड़ी फोटो दिखा रहे हो, एक शो सीगा डीकोड 7 ते वो मैं डायरेक्ट कर रहा सी और मेनू ए इतने बड़े स्टार सी और मेरी हिम्मत नहीं हो रही सी उना नु भाई मेनू, मैं नवा नवा अजे बहुत छोटा सीगा उना नु, ठीक है, और मैं उना दे रूम च गया सी, असी रामो जी फिल्म सिटी हैदराबाद दी है गल है, और बहुत बड़ी फिल्म सिटी है ते उन्होंने कहा हाँ जी बेटा इसको कौन डायरेक्ट कौन कर रहा है, ते मैं कहा जी मैं कर रहा हूं, कहते फिर स्क्रिप्ट दो ना। तो स्क्रिप्ट मंगी और यकीन मानोगे अगर 9 बजे उनका एंट्री टाइम सी, वो शख्स इतने बड़ा सुपरस्टार 9:15 बजे बाहर कार में मौजूद सी, जबकि छोटे जो उन्होंने नाल आर्टिस्ट थी वो 9:30 तक नहीं खड़े, यही उनका एक खासियत मैं सीखी कि टाइम तो पहला पहुंचो, जिंदगी विच कामयाबी दा सब तो वड्डा सूत्र है समय तो 15 मिनट पहले आओ। आज तुहाडे इंटरव्यू जी मैं आधा घंटा पहले तुहानू मिल सी, यस नहीं आ रहे, मैं सिनेमा हाल फिल्म ही पहले चला ना, पिछला शो भी ले छुटया हुंदा अज वो अभी फिल्म में अभी देख लेना, फ्री खड़ा हो के पीछे भी आना है बाहर, दैट्स क्यूट। टाइम से आंदे ते साडे भी बहुत अच्छी आदत है जी, सीते मैं ते वैसे भी फौजी दे वोटियां, लद्दाख दी तुसी गल कीती सी ते लद्दाख ते असी 2 बार ही रह के आए, पिट सब गुरुद्वारा भी दर्शन कीते हैं, देखते है ना तुसी क्या होते क्या नजारे ने, मैं उत्ते 17,000 फुट उपर झील है जेडी इंडस नदी आंदी है, उत्थों चाइना तो आंदी है और पाकिस्तान चली जाती है आगे जाके, तो नाम पता नहीं पता चल जाता है, पिंगोंग सो लेक है शायद, तो वो इंडस उन्होंने उठे कहते उस जगह पे, उस टाइम मुशर्रफ साहब होंदे सी आपा उधर च, उस टाइम कारगिल होके हटे सी ते आपा शरारती तत्व होंदे सी उत्थे, वो जिहड़े कुछ बोतलां पईयां होंदियां सी खाली, असीं उहदे विच पाकिस्तान दे वास्ते बहुत अच्छे अच्छे श्लोक लिख के बंद करके नदी सुट दिंदे सी, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਮਛੁਆਰੇ ਪਕੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਪੜੋ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਸਟ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਫਨ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਦੇ ਸੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਣੇ ਤੁਝਕੋ ਖਬਰ ਕਬ ਖਬਰ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਮੂਵੀ ਸੌਂਗ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਬੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਲੀਜ਼ 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 ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਸੁਣਾਓ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਦਿਖਾਓਗੇ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਊ ਡੂ ਦੇ ਵਰਕ? ਅੱਛਾ ਸੁਣਾਓ, ਓਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, वॉल्यूम अप कर दो थोड़ा जा। गलत
ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਨਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਈ ਗੋਡ ਸੋ ਗੁੱਡ, ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਹੈਪੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਲ ਦੀਸ ਥਾਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਯੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ, ਇਟਸ ਬੀਨ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਮਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਸਟਾ ਹੈਂਡਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਇੱਥੇ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੇਲ ਵੀ ਪਾ ਦਈਏ ਕੁਝ ਪਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਆਉਂਦਾ। Oh, Insta handle bhi paata Mita ne. That's chalo, nice. That's nice. So, active na, Mita ji super fast. I know. So much to learn. So, this, jo hun aajkal bacche vadde jo is field vich jana chahunde, let's say especially cartoon industry vich cartoon banana chahunde, unhon waste what is your message? Bahut acha hai, dekho industry koi buri nahi hundi, ਫੀਲਡ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੇਕ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੂਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਨਸਪਤ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਛੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਹੋ ਪਰ ਜੌਬ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਵਾਲਾ ਹੀ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਓ, ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਜੈਨੂਇਨ ਪਰਸਨ ਔਰ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੋ ਕਰੋ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਿੱਖੋ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਕਿ ਵਾਹ ਆਪ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੜਵੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਆ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਿਆ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦਾਂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹੂਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਉਤਰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਭਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਿਫਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏ ਪਏ, ਝੁਕਣਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
क्योंकि बरकत बुजुर्गों की दुआवां च होंदी सी ना कि साडी काबिलियत च होंदी। असीं काबिल अपने आप नूं कहिंदे आ पर असीं पता नहीं किन्हां दी दुआवां सदके रोटी खा रहे हां, पता नहीं किन्हां दे पैरां सदके साडे अंदर घर दे विच चूल्हा जलदा है। जी सब दी कदर करो, अपनी ही कदर करो, और पाना है घर मंजिल को तो अपनी सोच को बदलो। पाना है घर मंजिल को तो अपनी सोच को बदलो, कश्तियां बदलने से कभी साहिल नहीं मिलते। सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अपने आप नो उस चीज बुलंद कर, अपनी हस्ती को उस हालात के लिए कि खुदा खुद तरसे तुझसे मुलाकात, तुझसे मुलाकात के लिए। अपनी बुलंदी तक अपने आप नो लेके जाओ, वनस्पत की जोड़ तोड़ शॉर्टकट लै दे, ऐ चीजां तुहानू लै डुबदियां ने। शॉर्टकट जिंदगी च कोई शॉर्टकट नहीं हैगा, जिंदगी एक लॉन्ग रूट है और लॉन्ग रूट नाल ही अपने वक्त से ही मुकम्मल होगी और संपूर्ण। राइट राइट, वाओ वाओ, डीप थॉट्स, ब्यूटीफुल। सो मनकर साहब जी, तुसी जैसे अपना पूरा 40 साल पहले पूरी जर्नी ते चाती मारते हो, इज देयर एनीथिंग यू थिंक दैट यू वुड लाइक टू चेंज जे तुहानू मौका मिले, एनीथिंग? Or are you happy with whatever direction you took? जो कुछ देखो, जो कुछ हो रहा है वो सादा लिखा हुआ है, हर चीज कायनात दी लिखी हुई है। मैं चेंज कर ही चाहा भी नहीं कर नहीं सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरे चेंज करने लो चेंज होंदी होंदी ते फिर ते वो हर दुनिया तबाही मच जाएगी। हर इंसान अपने हिसाब दा अलग ही कॉपीराइट और स्क्रिप्ट लेके बैठ जाएगा कि मैनू तो अजय बनना चाहिए। गुड पॉइंट। जो उसने दिता बहुत कुछ किया, बहुत शुक्रिया उस ऊपर परमात्मा दा, उस मुर्शिद दा। जी तुसी की समझो, अपने तो नीवे सोचो ना, जिन्हां दे हाथ पैर नहीं हैगे, जेड़े पटरियां बॉम्बे दियां पुलां दी चंदी सी, ओ गरीब आदमी कूड़े नाले कचैले दे विच सुत्ते होए तुसी देखदे हो, उहनां नूं खाण नूं रोटी नहीं मिलदी। और मैं कई वारी दिल्ली तो भी अगर जांदे हो ते झुग्गी झोंपड़ी देखो, गंदी बरसात ते काले पानी दे विच बह के भी ओ बच्चे खाणा खा रहे हुंदे ने, लैटरिंग बाथरूम उत्थे होया पिया हुंदा। ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੋਈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਮੁਝਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਮਾਇਆ ਜਗ, ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਘਰ ਇਹੀ ਯਾਦ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜੋ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਕੱਟਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ, ਡਬਲ ਥਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਰਮ ਨੇ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ਰੋਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਰਮ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ, ਪੇੜ ਕੱਟਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅੱਜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤਰਾਹੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, दुखिया सब संसार सो सुखिया जिन नाम आधार। गुरबाणी असी की होंदा मीता जी, असी रामायण, हम रामायण को पढ़ते हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते हैं, हम गीता को पढ़ते हैं, हम रामायण की नहीं मानते, हम गुरु ग्रंथ साहब की नहीं मानते, हम गीता की, हम कोर की दा फर्क है। किताब नु पूजन च कुछ नहीं मिलना, ओदे च लिखे हुए अमला होने, अमला दे ना बेड़े किसे ना तेरी जात कुछ नहीं। सो अमल करो, बिना अमल तो की फायदा है पोथियां पढ़न दा, और कोई फायदा नहीं। तुसी पूरी किताब पढ़ के समझो या पहली लाइन च समझ जाओ, सच्चाई सिर्फ आई है कि एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु, पहलियां तीन लाइनां दे विच उन्होंने सारा कुछ ही तुहानूं दसदा है। वो इक्को ही है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पे तो हर इंसान बुरा है। सही बात है, इंसान एग्जैक्टली, सो ब्यूटीफुल। तो अच्छे इंसान बनो, अच्छी इंसानियत रखो, सबदों प्यार करो, सब नाल मोहब्बत करो, इश्क करो, इश्क के बिना जिंदगी चल नहीं सकती। जे इश्क च बीबा पैना में दिल दो पासे नहीं रहना में, नहीं रहना या दुनिया दे या दिलबर दे गल एक दे लगना पैना में, घर है मंजूर ते कर सौदा, पर सौदा महंगा पैना में, तू अपना रुतबा तकना में उन्हें शरे बाजार च कहना। बहुत बढ़िया। अपने काम नाल इश्क करो, अपने मां प्यो नाल इश्क करो, अपनी सोच नाल इश्क करो, और रूहानी इश्क करो, जिस्मानी इश्क दी कोई इत्थे गुंजाइश नहीं है।
इश्क रूहानी स्नान करो। जिस दिन इश्क रूहानी हो जाओगे ना, उस दिन हीर रांझा हो जाऊंगा, रांझा हीर हो जाएगा। तुझमें मैं, मुझमें तू, मैं तू, इको एक लाली मेरे लाल की जिद देखूं ते तलाल, लाली देखूं मैं गई मैं भी हो गई, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, सबदों नी मिलती जो रांझा मनु हीर ना आप माथो कोई देखो नी अजी हीर स्लेटी किथे आ के किथे अब या क्या हीर बनो रांझा बनो क्या बात है। यस आई की दिलजीत सिंह जी की बहुत पुरानी आज दी नहीं है, करीब करीब आज 10-12 22 साल पहले दी मैगजीन। Found the book on Amazon and Flipkart, but it is out of stock. Out of stock है ये। Out of stock हो गई ना, कोई गल नहीं। कोई दिल्ली वाले हो गए तो आगे कॉपी मैं दे सकना, मेरे पास पैसे ले जाना भाई। दिल्ली जाके ले लो सर। सरिता हांडा जी की लिख रही है, मैं ना रहूं तू तू ना रहे, क्या बात है सरिता जी। नहीं, बहुत साडे सारे जो साडे देखो जो जिस तरह का होंगे ना उस तरह के लोग अट्रैक्ट होंगे ने और वही एनर्जीज उत्ते क्रिएट होंगी है तो उसी तरह के लोग आते रहते हैं। अच्छा लगा कोई शेर मीता जी तुसी सुना रहे थे, मैं सुना थे शेर शायद ही करनी चाहिए। मैं कोई गल नहीं, मैं वो हुन छड़ देता, मैं सुना दें और कुछ सुनानी है तुहाडे लिखे पढ़दी रहनी है, विच विच सुना देनी एक दो अपने लिखे सुना देनी हाँ, तो इस तरह ही करती रहनी है विच विच मिक्स कर कर आके। तो मैं कह रही थी कि साडे नाल जुड़ते भी उ लोग ने कि जो इस तरह के लोगों नू और इस तरह चीजा नू प्यार मुहब्बत करते रहे। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है तुहाडे नाल गलबात करके। तुसी कह रहे थे ना स्ट्रगल की गल की प्रॉब्लम आई है, तो मैनू अपना लिखा एक छोटा जा शेर याद आ गया कि हवाएं तेज है, हवाएं तेज हैं, चल रही हूं मैं फिर भी थाम के हौसलों का हाथ, यकीन है मुझे मंजिल मिलेगी जरूर, सबील सबील माने रास्ता, सबील पर है जब अपनों का साथ। क्या बात है। तो उसी जदों अपने दोस्तों अपने प्यारियों अपने नाल लेके चल रखन चल सकन दी काबिलियत बना लिए, इस काबिल अपने आप नूं बना लिए, ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਐਵਰੀਵਨ ਹੈਜ਼ ਹਿਸ ਔਰ ਹਰ ਓਨ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਸਟਰਗਲਸ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਥੋੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਮਨ ਜੀ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰਿਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਮਿਤਾ ਆਈ ਮੀਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੀ ਘੰਟਾ ਕਿੱਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਇਕਦਮ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦੀ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਕਹੋ ਮਾਈ ਗੋਡ ਮਨਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਟ ਨੈਕਸਟ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਓ ਦੈਟਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਾਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਿਕਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਹੈ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਦੀ, 75 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੇਟ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਕਵਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਸਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲਗਭਗ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਈ ਨੋ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਣੀ
बहुत अच्छा तुहाडा एक ते देसी गूंज है मां बोली दा सब तो वड्डी गल हुंदी जिहड़े अमरीका है यूएसए कनाडा च जिहड़े भी पंजाबी वीर पंजाबी भैणां पंजाबी बच्चे बैठे हैं अपनी मां बोली दा सदका करो सजदा करो मां बोली दा प्यार करो क्योंकि मां बोली एक ऐसी बोली हुंदी है कि जिहड़ी साडे च कुड़की दे विच कुट्टी दे विच सानूं पिलाई जांदी है मां बोली ओह ताकत है जो तुहानूं दर्द हुंदी है ते सब तो पहले ओही लैंग्वेज मूंह च आउंदी है जो तुहाडी मां दी लैंग्वेज हुंदी है पंजाबी या हिंदी है जिस विच तुसीं जन्म लिया तकलीफ दे विच मां बोली बहुत वड्डी हैल्प करदी है जो कौम अपनी मां बोली दी इज्जत नहीं करदी जो कौम अपनी मावां भैणां दी इज्जत नहीं करदी जो कौम अपनियां महिलावां अपनी लेडीज दी रिस्पैक्ट नहीं करदी ओह कौम अज भी नेस्तनाबूद है और कल भी नेस्तनाबूद है क्योंकि औरत देखो औरत कोई छोटी चीज नहीं है ये पूरे राजे महाराजा नूं जन्म देंदी है वो भैन बन के अपने भरावां दी दुआवां करदी है वो बेटी बन के हमेशा नाल खड़ी होंदी है और शायद बेटियां तो भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है अपने मां प्यो दी अजकल दे माहौल दे विच क्योंकि धियां वंडाण दुख ते पुत्तर की कहिंदे जमीना वंडांदे ने गाणा भी मैं पिछे सुनिया है सो धियां दी इज्जत करो धियां नूं पढ़ाओ उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा कराओ क्योंकि जिस घर च धी नहीं होंगी उस घर च रौनक नहीं होंगी जिस घर च बेटी नहीं होंगी उस घर च बरकत नहीं होंगी शुक्र अदा करो कि तुसीं वो कुदरत दी बनाई हुई वो नायाब चीजा हो जिसने उसनू इतना कुछ बख्शा है सब तो मजबूत औरत है जी बिल्कुल फिजिकली अपने आप नू शेर खान और वो बन सकते हैं लेकिन वड्डे तो वड्डा शेर खान भी टुट जाता है तो उन्होंने औरत संभाल लेंदी है एक अपने अपनी हथेली दे उत्ते उसके अपने हंजुआ नू लैके वह औरत ही है जो उस सदके नू कर सकती वह औरत है जो नौ महीने बच्चा पेट च रखने के बाद उसनू पूरा वजूद देंदी है करिश्मा दुनिया च होर किसे नू नसीब नहीं सो सजदा उन्हां सारियां मातावां भैणां नू अपनी मां बोली अपने वतन नू प्यार करो अपने वतन जिथों भी आए हो या जिथे हुण तुसीं हो दोनों नू प्यार करो हो सकता है मेरे देश विच लख कमियां हो सकदियां हन उहदे च कोई सफाई की कमी हो सकती है गरीबी हो सकती है कुछ चीजा सिस्टम च नहीं हो सकदियां लेकिन जो मुहब्बत जो प्यार जो ठंडी हवा जो खेतां दा वो खुशबूआं दे पेड़ दी हवा जो खुशबू जो सोंदी सोंदी खुशबू तुहानू स्वाद कोई पिज़्ज़ा बर्गर नहीं असीं भी हमेशा कहंदे आ मनकर साहब अपने रूट्स नाल जुड़े रहना चाहिए ओहदे बगैर ते तुसी खड़े ही नहीं हो सकदे फिर जिसा तुसी बच्चियां नूं सिखाओ तुसी नवा प्रोजेक्ट पुछिया मेरा एक सेम है काफी टाइम तो लिखने आ जर्नी ऑफ एकमकार ए मेरी बड़ी वर्ल्ड सीरीज बनन वाली है जो आदि ग्रंथ विच है ने या असि ओनू भी एक स्पिरिचुअल ऑफ सेरेमनी बना के ही सिर्फ रख उसको पढ़ लिया कि उसकी बातें समझ ली अगर इस नु समझ जाओगे ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਫਕੀਰ ਕੀ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਕ ਦ ਥਾਟਸ ਆਰ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਰੀਚਿੰਗ ਅਸ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ बहुत वक्त के बाद किसी ने एक तो मैं बहुत प्यार आता बाहर जिम्मे जिम्मे मैं बहुत देशों में बहुत शोज किए आस्ट्रेलिया किए नॉर्वे किए हर कंट्रीज किए और अक्सर मैं उत्थे बोलना कि आखिरकार ते घर घर की याद सतांदी होवेगी तुहानू भी कदे याद वतन दी आंदी होवेगी ਕੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਲੱਖਾਂ ਜਿਸਮ ਹੰਡਾਏ ਹੋਣਗੇ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਸਜਣੀ ਨਾਲ ਨੇਹ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ ਆਖਿਰ ਕਰਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਸ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚਿੱਠੀ ਚੀਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਿਟਦੀ ਏ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰੀ ਬੇਬੇ ਆਬੂ ਇੱਥੇ ਖੜਦੀ ਏ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆਖ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਯਾਦ ਵਤਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਹਰ ਗੱਲ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਚੰਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਰਹਾਨੀ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਅਗਰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਟਾਈਮ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਰਜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਰਜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਫਿਰਨਾ ਝੱਗਾ ਅੱਡਦਾ ਅੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤਲੀਆਂ, ਹਰ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਅਕਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਤਾ ਸੂ ਦਰਜੇ ਹੈ ਚੰਗਾ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਲਈ ਮੂੰਹ ਚਿਲਾਵੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਜਤਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਕਰ ਪੈਰਾ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰ ਮੂਲ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਵੇ ਤੋੜ ਨਿਵਾਵੇ, ਕੁੱਕਰ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ ਬੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਲੈ ਸਬਕ ਅਵੱਲਾ, ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ। ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਰ ਆਨਰ ਆਰ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਔਨ ਆਰ ਸ਼ੋਅ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫਾਰ ਆਰ ਫਰਦਰ ਜਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਗਯ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ 'ਚ ਰਵੇ, ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁਆ ਹੈ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਉਦਾਸ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਿਆਣੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਭ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਕੁਇਕਲੀ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਯਾ, and talent, thank you everyone for watching, enne pyare log jude hoye ne aur enne pyar nal jude hoye ne, yes, thank you, comments bahut acha tuhanda comment aur aap vi raji khushi raho ji, assi te hai, thank you sabhi nu bahut bahut shukriya, haan ji chalo agle show di gal kariye, agle show di gal quickly sare nu dass diye kyunki isse tarah please you keep joining us for our every show because as you see we try to bring you lovely personalities and also lava we do different kinds of programs, so hamara jo next program hai that is next Saturday again at 11 AM eastern time which will be 8:30 PM india time, aur hum aapke liye leke aaye beautiful tribute to a wonderful legendary artist Hemant Kumar ji, yaad kiya dil ne kaha ho tum, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। सो हम आपको प्यार से पुकार रहे हैं, जहां भी हो आप, अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे साथ जुड़े अगले सैटरडे 25 सितंबर को at 11 AM eastern time which is 8:30 PM india time, so thank you so much for watching, isi tarah hamara saath dete rahiye, thank you for your support and don't forget to subscribe the Sigun channel at YouTube please, thank you, yes. Thank you so much, stay safe, stay happy, stay healthy, rab rakha, we'll see you on 25th september 11 AM